बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना, और बहुत अच्छा सब रहा, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर जो आपने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया। हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत मुख्तसरन मैं अगर बताऊं तो पहला ये है कि इट्स हाई टाइम कि हम WSME को डिफ़ाइन करें, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ में WSME डिफ़ाइन हो चुका हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि वुमेन SMEs जो हैं वो फोर फ्रंट पर नहीं आ रही, बिकॉज बैंक्स उनको अभी भी अवॉइड करते हैं, एक बात। सेकेंडली ये है कि आपने कोविड में CIB को 10 साल से 7 साल किया, अभी भी जो इससे अभी भी जो हिस्ट्री है वो 7 साल तक उसकी आती है, लेकिन इससे कॉरपोरेट सेक्टर तो इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज बैंक्स के लिए कॉरपोरेट सेक्टर प्रायोरिटी पर होता है, चाहे वो हिस्ट्री उसकी जैसी भी हो, इफ़ दे पेड ऑफ तो वो उसको बिल्कुल कंसीडर करते हैं। लेकिन एक बहाना बन जाता है फॉर SMEs, स्पेशली द वुमेन SMEs, कि वो अगर आप इसको उनकी हिस्ट्री भी वॉश आउट कर दें, जब वो पे ऑफ कर देती हैं एक साल में, जैसे बाहर बाकी UAE का मुझे पता है वहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो दैट कुड बी अनदर सपोर्ट टू द वुमेन इन साइड ऑफ दिस, कि वो 7 साल तक वो एक बहाना रहता है फॉर द बैंक्स टू रिफ्यूज़ दें, वो पहले ही बैठे होते हैं रिफ्यूज़ करने के लिए, उनको ऊपर से हम एक और बहाना दे देते हैं। थर्डली ये है कि जब ये डिफ़ॉल्ट में जाती हैं ख़वातीन, तो पहले तो ये था कि प्रिंसिपल जो अगर वो नहीं पे करती तो वो डिफ़ॉल्ट होता था। कुछ साल पहले उन्होंने जो वेवर है ऑफ द मार्कअप उसको भी हिस्सा बना दिया है डिफ़ॉल्ट का, विच इज़ वेरी अनफेयर। पहले ये नहीं था, 5-6 ईयर्स पहले ये एक पॉलिसी बन गई जिसमें उन्होंने मार्कअप को भी मार्कअप का वेवर भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट में कर दिया है। उससे ज़्यादा लोग, मतलब मैं तो ख़वातीन की बात करें लेकिन ऑब्वियसली इट इफ़ेक्ट्स एवरीबडी, तो ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं। ये तो इसकी थी वुमेन की, बिकॉज आई एम द फाउंडर ऑफ द वुमेन चेंबर्स इन पाकिस्तान। और एक और रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ द यूनिवर्सिटीज़। कोविड में आप देख रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं इन रिसर्चेज, और यूनिवर्सिटीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ रिसर्चेज आजकल, बाकी जगहों में तो रिसर्च होती नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आर गियर टूवर्ड्स स्पेशली द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटीज़ को, वो ये आ रही है कि ख़ासकर पंजाब की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कि दे कैन ओनली डील विद पंजाब बैंक, दे डोंट हैव अ फ्रीडम, फेयर प्ले उनके साथ नहीं हो रहा, जबकि बाकी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम है। तो अगर ये देखा जाए, और सिर्फ पंजाब में है, अगर ये देखा जाए कि दिस शुड बी अ फेयर प्ले, वो जिस मर्जी बैंक के साथ डील करें, वाई ओनली पंजाब बैंक। एक तो ये उनका पॉइंट था यूनिवर्सिटीज़ का, और सेकेंडली ये जो है आज तक जितनी पॉलिसीज बनी हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बनी, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसर्चेज फॉर डोनेशंस फ्रॉम अदर पीपल। इसलिए वो जो हमारा एक सेक्टर डिवेलप हो सकता है, हम बहुत पीछे हैं रिसर्चेज में, और ये अगर हम इस जैसे चाइना ने वैक्सीन सबसे आगे नंबर ले गया, इवन अब यूरोप को भी लीड कर रहा है चाइना, बिकॉज द कंट्री इज सपोर्टिंग द रिसर्चेज, हमारे यहाँ वी आर लाइक नोवेयर इन एनी नंबर, हम भी डिपेंडेंट हैं कि कोई आ जाए तो हम उसकी रिसर्च कर दें, वी डोंट हैव एनी सच पॉलिसीज फॉर द स्टूडेंट्स कि हम उनको इनक्रेज करें। और वही तीसरा तो आपने क्लियर कर दिया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स का, जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आता है, वो यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं, एंड वो डिले बहुत हो जाती है। तो दे हैव रिक्वेस्टेड कि अगर आप एक सेपरेट बैंक में कोई डिपार्टमेंट ऐसा बना दें या कमेटी ऐसी बना दें जो उनको डायरेक्टली एजुकेशन को डील करें, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें। थैंक यू सो मच।